जो बंदा इत्तफाकी मौके से फ़ायदा नहीं उठाता वो बुलंद मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। जिस बंदे का दिल दुनिया में रहने को चाहे इसे यहाँ की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी होगी। तजर्बे कभी ख़त्म नहीं होते और अक्लमंद वो हैं जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो ताज व तख्त या दौलतमंद इंसान की परवाह नहीं करती, वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसर्रत ये यकीन है कि कोई आपसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत रखता है। पस्त हिम्मत नामुरादी की हद पर पहुँच कर अपने अज़ा और दिमाग को मअत्तल कर बैठते हैं, मगर आला हिम्मत खुदा की बख्शी हुई ताकतों से काम लेते हैं। जिसके पास सेहत, काबिलियत व इस्तकलाल और हिम्मत हो, इसकी कामयाबी की तरक्की यकीनी है। अगर पहाड़ को सर करने की ख्वाहिश है तो पहले दरियाओं को सर करना ना कि पहाड़। तलाश रिज्क में बैठ जाना और अल्लाह से दुआ करना जेबा नहीं, क्योंकि आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता। जिना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर कोई इस बात को समझ ले कि गीबत इससे भी बड़ा गुनाह है तो कभी गीबत जैसा फेल ना करे। हरकत गुस्से के बातिन से जाहिर की तरफ होती है, और हरकत हजम की जाहिर से बातिन की तरफ। जिसको गुस्सा बहुत देर से आता है वो बहुत अक्लमंद होता है। जो खुदा दाद नहीं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर तू 10 बरस तक भी बेरोजगार रहे और तेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो, फिर भी इल्म से मुंह ना मोड़ना। औरत जैसी भी हो, मर्द की 3 चीज़ों की तरफ रागिब होती है: पत्थर जैसा बदन, जहानत और दौलत। लोगों के साथ मोहतात मेल जोल रखा करो, क्योंकि मालूम नहीं कौन शख्स आपके पास किस रंग में आ जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नियमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते।